शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक माता की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अब माता की विदाई का समय है। श्रद्धालु माता को विदा कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित बने विसर्जन कुंड में 1250 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की टीम, गोताखोर, निगम अमला 24 घंटे तैनात किया गया है। 9 दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा के पश्चात अब विसर्जन का समय है और माता को अंतिम विदाई यहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा दी जा रही है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित कुंड में माता का विसर्जन किया जा रहा है और आज विसर्जन का तीसरा दिन। हम आपको पीछे ये नजारा यहां पर दिखाना चाहूंगा जहाँ पर माता की मूर्ति को अंतिम यहाँ पर पूजा अर्चना श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और उसके बाद विधि विधान से क्रेन के माध्यम से यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। बता दें कि इस कुंड में लगभग 7 क्रेन यहां पर लगाई गई है ताकि क्रेन के माध्यम से माता का विसर्जन विधि विधान से किया जा सके और किसी भी श्रद्धालु को, भक्तगणों को कुंड में न उतरना पड़े ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो, और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर 24 घंटे तैनात की गई है। निगम का जो अमला है वो यहाँ पर शिफ्ट वाइज 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगाई गई। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है उनकी भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक का समय निगम के द्वारा रखा गया है ताकि माता की प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर किया जा सके और सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो, कोई भी आपराधिक घटना घटित न हो, उसकी भी निगरानी पुलिस के द्वारा यहाँ पर रखी जा रही है। और 7 क्रेन के माध्यम से पहले माता की प्रतिमा को कैरी करके इस स्लाइडर पर रखा जाता है और स्लाइडर से फिर प्रतिमा जो है वो कुंड में विसर्जित कर जाती है। तो पूरे सम्मान के साथ, विधि विधान के साथ में महादेव घाट के कुंड में माता का विसर्जन किया जा रहा है और अब तक लगभग 1250 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन यहां पर किया जा चुका है। फिलहाल आंकड़े और भी बढ़ेंगे क्योंकि अभी एक दिन पूरे 24 घंटे और उसके बाद अगले सुबह 6 बजे तक का विसर्जन जो है वो होना है। फिलहाल लोगों में उत्साह नजर आ रहा है लेकिन विदाई के, माता की विदाई हो रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं जो भाव है वो भावभीनी जो विदाई है वो माता को यहाँ पर दे रहे हैं। लोग मायूस मन से माता को विदाई देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो उत्साह के साथ साथ में एक दुखी जो लोगों का मन है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।